हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हाजिर हूँ आपके साथ नए व्लॉग को लेकर, जो हमारा हरिद्वार की यात्रा का पार्ट सेकंड पार्ट आ चुका है। हम हरिद्वार में हर की पेड़ी पर जा रहे हैं, जो जहाँ पर गंगा नदी के आपको साक्षात दर्शन होंगे। गंगा नदी में भी इतना तेज पानी बह रहा है कि आप सोच नहीं सकते, बरसात है या गर्मी। देखिए आप, साक्षात माँ गंगा के दर्शन कीजिए, कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये महाकाल की मूर्ति बनी हुई है, शिव जी कितने सुंदर हैं यार, इनको देखते रहो बस, बहुत ही मज़ा आता है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है हरिद्वार का, एकदम शांत ठंडा पहाड़ी इलाका है ना यार दोस्तों, इसलिए इसका उत्तराखंड का माहौल ही बहुत ठंडा रहता है। ये स्वामी विवेकानंद घाट है, हल्की पेड़ी के पास में ही ये घाट बना हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हल्की पेड़ी की तरफ। हल्की पेड़ी में चल रहे हैं हम गंगा नदी के दर्शन करने, स्नान करने। यहाँ से आप गंगा जल भरने के लिए बोतल खरीद सकते हो। हमने यहाँ टोपी देखी पर हमें पसंद स्ट्रॉबेरी खाओ, आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है। अब हम गंगा नदी में नीचे की तरफ जाएंगे। छोटी मोटी दुकानें लगी रहती है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी, ये सब घूमने लायक जगह, बहुत ही शानदार है, आकर्षक, अद्भुत, मज़ेदार। ये देखो छोटी मोटी दुकानें लगी हुई है, आप यहाँ से सामान खरीद सकते हो। ये देखिए गंगा नदी का नज़ारा, इतनी बह रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। माँ गंगा नदी अपने विराट रूप में साक्षात दर्शन देती हुई, आप इस ठंडे जल में अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। देखने मात्र से इंसान पवित्र हो जाता है, एक बार जरूर आए आप हरिद्वार में। ट्रक के पीछे भी आपने डायलॉग देखा होगा, तेज चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। साक्षात हरिद्वार में माँ गंगा नदी के दर्शन कीजिए, फुल बैग से बेरिए। इसमें बच्चे क्या है, बीच में जाकर कूद जाते हैं, उनको डर भी नहीं लगता। कोई नारियल निकालता है, कोई कीमती सामान निकालता है। गंगा नदी के आसपास छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। मैं आपको इस घाट के पूरे दर्शन करा दूंगा, एक भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जिसके मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। मेरी बहुत इच्छा थी हरिद्वार घूमने की, जो भगवान ने पूरी कर दी है। हम हरिद्वार के बड़े पुल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से और खूबसूरत नज़ारे हमको दिखाई देने वाले हैं। ये देखिए आप माँ गंगा का नज़ारा, कितना साफ करा रखा है माँ गंगा को, बिल्कुल साफ पानी, एकदम क्लियर। इतना साफ पानी तो मैंने कोई सी भी नदी का नहीं देखा होगा। उत्तराखंड सरकार ने माँ गंगा नदी की पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। गंगा नदी की साफ सफाई होना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें पूरे भारत के लोग स्नान करने आते हैं, दूर दूर से पब्लिक आती है। अगर उनको गंगा नदी में प्रदूषित दिखे तो फिर उनका भी मन खराब हो जाता है, इसलिए गंगा नदी स्वच्छ सुंदर बहुत ही प्यारी लगती है। माँ गंगा नदी बेहद आकर्षक। चलिए अपन और आगे चलते हैं, नए नए नज़ारे देखते हैं। ये पुल बना हुआ है जिस पर पैदल यात्री यात्रा कर सकते हैं। हम हरिद्वार ट्रेन के द्वारा आए थे,
मैंने आपको ट्रेन का ब्लॉग डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, नहा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको हर की पेड़ी में हम और दर्शन करवाते हैं। हम कोटा जाने के लिए बस की तलाश कर रहे हैं और हम बस डिपो की तरफ जा रहे हैं। अब बस बुकिंग करने के बाद वापस आएंगे हम और दर्शन करेंगे। अभी बस बुक टिकट बुक करा लेते हैं ताकि हम हरिद्वार से कोटा जा सकें। दोस्तों हमने 4000 रुपये देकर 4 जनों की कोटा की टिकट करवा दी हरिद्वार के लिए। अब हम शांति से हरिद्वार में घूम सकते हैं यहाँ पर। और आगे ये लोहे का पुल बना हुआ है हरिद्वार के पास, हर की पेड़ी में, बहुत ही खूबसूरत पुल है, शानदार व्यूज आता है इसका, एकदम शानदार। यहाँ से माँ गंगा नदी के साक्षात दर्शन होते हैं। माँ गंगा पतित पावनी ये सारे कष्टों को दूर करती है। एक बार आप स्नान करोगे तो आपको सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप एकदम पवित्र, आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आप कि फिर इच्छा करेगी कि मैं एक बार और गंगा माँ गंगा में स्नान करूँ। माँ गंगा बहुत ही पवित्र नदी है, इसमें एक बार स्नान करने से आपके सारे रोग कष्ट और सारे पाप दूर हो जाते हैं। आइए और अपने पूरे परिवार को माँ गंगा में स्नान करवाइए आप। यहाँ बैठे ही रहो, गर्मी की छुट्टियों का मज़ा यहीं ले सकते हो आप, इतनी ठंडाई है। अब हम माँ गंगा के मुख्य मंदिर की तरफ चलेंगे जहाँ माँ गंगा की साक्षात प्रतिमा विराजमान कर रखी है, इसे हर की पेड़ी बोलते हैं। शाम को यहाँ पर आरती होती है। ये पुलिस चौकी बनी हुई देखिए आप। ये श्री भैरव बाबा का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, श्री प्राचीन बद्री नारायण मंदिर है यहाँ पर, श्री केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। ये माँ गंगा का मुख्य मंदिर है जहाँ पर माँ गंगा की आरती होती है। शाम को दर्शन कीजिए आप। ये मंदिर बने हुए हैं, राम जी का मंदिर, बालाजी का मंदिर, जय बजरंग बली। आए अब हम जहाँ पर एक घंटाघर बना हुआ है, अब हम अपने मुकाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ से बसों की पार्किंग होती है। बस की पार्किंग में जाकर हम बस में बैठेंगे और हम कोटा की तरफ जाएंगे वापस। हरिद्वार में ज़रूर आए आप और अपने परिवार को घुमाएं, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। मेरा तो मन एकदम पवित्र हो गया, शांत हो गया। ये गंगा का असली रास्ता है जिसमें गंगा माँ बहती है, वो एक रास्ता निकाल रखा है हर की पेड़ी में। ये साक्षात माँ गंगा की नदी है जिसमें इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपको बता सकें और नई नई जानकारियां दे सकें। जीवन में भक्ति होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इतनी शांति, परम शांति। आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी शौक कर लो, आपको शांति।